तो हेलो गाइस, हम लोग आए हुए हैं पुणे अभी मिधांश के मामा के घर, और हम लोग भी जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। मिधांश आओ, हम लोग कभी कहाँ हैं? अभी हम अपने पूरे महाराष्ट्र में अपने मामा और अपने छोटे भाई के घर। और हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं घूमने घामने के लिए? बाहर। ओए ये छोटी कुमार, हम लोग कार को लेके आ गए और वो सारे के सारे अभी आ रहे हैं। सोचा था हमने महाबलेश्वर जाएंगे, लेकिन हम लोग जा रहे हैं अभी तामनी घाट। हेलो, ये छोटा रितु, देखो। हाय रितु। बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है इस समय पुणे में, जो हमेशा ही रहता है, ज्यादातर रहता ही है, और हम उसे एंजॉय करने के लिए अभी बाहर निकल रहे हैं। तो बादल भी हो रखे हैं और धूप भी है काफी, लेकिन व्यू बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे अभी है बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त वेदर हो रखा है। दिक्कत इस मौसम की क्या है पुणे की कि कपड़े नहीं सूखते। लोगों को तो मजा आता है भाई एक बारिश में, हमें पता है हम कपड़े कैसे सुखाते हैं। तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो तो मजे लेके चले जाते हैं। वाओ, सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उते दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उते दिल छोड़ आया। ओ रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उते दिल छोड़ आया। अनिका इस समय मिसिंग हो रही है कि अनिका सो रही है। रुक गए हम लोग और यहाँ पे मुलसी देखेंगे, लेकिन रुकते ही यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। तो अनिका उठ गई है और बारिश भी खूब हो रही है। हम उतर गए गाड़ी से, हैं? चलो चलो भुट्टा खाएंगे। व्यू देखेंगे, देखो अनिका देखो, वाओ। आराम से वहां पे चल सकता है, चल सकते हैं। आगे नहीं, आगे नहीं। मम्मी आराम से आना, कभी लुढ़कती आओ। ओए दोनों की दोनों आ गए। चले वापस, कहीं पे चाय और गुट्टा खाते हैं। निका उठ गई। ओ अरे मेरा बच्चा, उठ गए और हम लोग यहाँ पे मजे ले रहे हैं। क्या जबरदस्त व्यू है यार, क्या मौसम है। मिधांश आ जाओ इधर, आ जाओ बेटा, ये फोटो खींचने में मगन है। ये हम अब रुकने वाले हैं चाय पीने के लिए मिधांश की ख्वाहिश पर। नेक्स्ट जो भी रेस्टोरेंट है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो हम अब एक जगह पे रुके हैं जहाँ पे चाय पीने के लिए। मुझे बैग लेना जरूरी है पूरा। होटल शिव पार्वती, नीचे देख के पानी है क्या? हाँ। क्या कह रही है? बड़ा पाव। कुछ नहीं होता ये, बड़ा पाव होता है जी, बड़ा पाव नहीं होता। बड़ा पाव बड़ा कर दो, पाव को बड्डा कर दो। मैंने ले लिया चाय और भैया ने चाय बनाई मस्त करके। कौन सी गाय की भैया? ये अपना घर की गाय की, देसी गाय। अच्छा देसी गाय की, देसी गाय की चाय पीने के लिए हम बैठे हैं। दूध की, देसी गाय के दूध की चाय। क्या बोलते पापा? अनिका कैसी कैसी चाय, कैसी चाय? लेमन ग्रास की है ना, लेमन ग्रास की।
तो यहाँ पे घूमने के लिए तो बहुत जगह है, घनगढ़, तमिड़ी घाट। तमिड़ी घाट इससे आगे भी नहीं कभी गई, यहाँ में नहीं गई कभी, हम हमेशा वहाँ पे तो यही तो जाने वाले थे, वहाँ से वापस आ जाते हैं। लेकिन ये है देवकुंड जो है ना, ये बहुत फेमस है। अच्छा मेरे को बिना धनिया वाला चाहिए। आपको बिना धनिया वाला चाहिए, धनिया के साथ खाओ ना भाई, टेस्ट होता है बेटा। ये देखो मैंने डाल दिया है अब वड़ा पाव, अभी ये खाली खड़ा है। प्लेन मैगी है, प्लेन मैगी खाएगा। जबरदस्त चटपटा है, आपको भी एक ही बार खाने में। तमड़ी भी आ गई, समझदार। गरम है ना, 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 ना। गरम है, मैं ठंडा कर दूं। देखो नीका आ जाएगी, अपने आप खाएगी। नहीं गरम है, चाय नहीं, बेबी से पीते हैं। अनीता गुस्सा करती है, हल्के हल्के हल्के। बेटा गरम है, गरम है ना, ठंडा है, गरम है ना। मैं भी एक बार टेस्ट करता हूँ। वो मिला है फिर खाने में लगा हुआ मस्त करके, टेस्टी है मिनाश। घर से तो सबसे टेस्टी है, घर से भी अच्छा, लो घर से भी अच्छा पसंद आ रहा है। बहुत ही मज़ा आया है यहाँ पे, खाना बहुत स्वादिष्ट था। जो भी पकौड़ी हमने खाई है ना, वड़ा खाया, बहुत ही मस्त। कह रहे थे कि यहाँ पे अब खिला दो, यहाँ पे अब खिला दो, अब खा लिया ना, खा लिया। अब टमाटर की चिप्स। और ये भैया तुम्हारे सब्सक्राइबर। हेलो भैया, आपका नाम क्या भैया? राजेश ठोमरे। राजेश ठोमरे, ठोमरे। तो हम भैया के आए थे और गए थे, हम लोगों को बहुत ही मज़ेदार खाना खाने को मिला। स्पेशली मिदाज को मैगी पसंद आई, और नहीं चाय, चाय चाय पसंद आई, और मुझे चाय के साथ साथ पकौड़ी वगैरह सब पसंद आई है। थैंक यू भैया। तो कहते हैं ये भैया के यहाँ भी एक उत्तराखंड से लड़का था जो काम करने के लिए रखा था भैया ने, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या दिखाया था भैया? शेर का बछड़ा दिखाया था, बहुत अच्छा, दूर से फोटो लिया था उन्होंने। अच्छा, पास से जूम करके लिया था। अच्छा, उधर तो खैर जंगल बहुत है ना, बहुत जंगल, लेकिन यहाँ पे भी बहुत मस्त है, बहुत अच्छा लगता है। बारिश भी बहुत तेज हो गई, हाँ क्लाइमेट बहुत अच्छा है, बारिश भी बहुत तेज हो गई है। लो बारिश भी हो गई है, सोने का सुहागा हो गया, ये कहावत कही जाती है ना हमारी तरफ से। तो हम लोग अभी भैया के पास से निकलेंगे, आराम से खा पी के फिर घर जाके आराम से वीडियो बनाएंगे। चलिए भैया, बाय बाय। चलो शिव पार्वती, तो होटल शिव पार्वती है जिसमें हम लोगों ने खाना खाया था अभी, और हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। अब यहाँ पे बारिश हल्की हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, अब हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं। तो एक्चुअली हम लोग काफ़ी लेट निकले थे, 3-4 बजे के बाद में, बल्कि 5 बजे के आसपास। तो हम लोग इस वजह से कोई हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, हम लोग जा नहीं पाए। बीच में हम लोगों ने बस है मुल्शी से आ गए, हाँ मुल्शी से आ गए, मुल्शी तक गए थे हम लोग, और फिर वहाँ से वापस निकल लिए चाय वाय पी के। होटल बहुत मस्त था, छोटा ढाबा टाइप का, लेकिन वहाँ पे जो टेस्ट था चाय का वो बहुत मस्त था, उसकी पकौड़ी वगैरह बहुत मज़ा आया। देसी गाय के दूध की चाय पी है, और उसमें अल्टीमेट टेस्ट लगता है। चलो फिर वापस चलते हैं हम। अनीका तो उठ गई लेकिन काफ़ी लेट उठी, मैगी खा ली अनीका, मैगी खा ली अनीका ने। तो चलो चलते हैं वापस घर की तरफ, बाय बाय। तो हम लोग आ गए हैं वापस घर पे, मैं डांस हो गया था। चलो भाई,